तीन ऐसे गेम जिन्होंने गेमिंग का फ्यूचर ही बदल दिया। टूम रेडर एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसको खेलने में हर किसी को मजे आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है टूम रेडर ने गेमिंग कंपनीज को दिखाया था कि विमेन भी गेम्स में एक प्रोटैगनिस्ट बन सकती है और वो गेम्स भी पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि 90s में ही अपने गेम्स में एक विमेन प्रोटैगनिस्ट के साथ आ गए थे। इसके बाद काफी गेमिंग कंपनीज ने विमेन को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया अपने गेम्स में। माइनक्राफ्ट एक वर्ल्ड बिल्डिंग सर्वाइवल गेम है। इस गेम ने ये सिखाया कि गेम पॉपुलर होने के लिए बढ़िया ग्राफिक्स नहीं चाहिए, अगर गेम प्ले सेटिस्फाइंग और इंटरेस्टिंग होगा ना तो लोग उसे भी जरूर खेलेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गेम्स में आता है। GTA 3 2001 का एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसने ओपन वर्ल्ड गेम को एक अलग ही हाइट पर पहुंचा दिया था। इससे पहले भी ओपन वर्ल्ड गेम्स आए थे, लेकिन इस गेम का ओपन वर्ल्ड ऐसा था कि भाई हम उसमें कुछ भी कर सकते थे। मैप साइज काफी बड़ा था और प्लेयर्स के पास एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ आ गया था। इसी गेम की वजह से आज रॉकस्टार ने GTA 5 जैसे गेम्स भी बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो एंड गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।